हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज करण एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रैवल सेंट्रल। आज दूसरा दिन है जोधपुर का और अभी हम जा रहे हैं जसवंत थाड़ा, जो कि एक क्रीमेशन ग्राउंड है रॉयल फैमिली के लिए। जसवंत सिंह दो जो थे उनके सन ने उनके लिए बनाया था, तो यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर ही है। और आई थिंक वही मॉन्यूमेंट है जिसको ताजमहल ऑफ मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कल भी देख सकते थे बट हमारे घर हमें पता ही नहीं था कि वहाँ पे है। मेरी बीवी का फॉल्ट है उसमें, क्योंकि उसने सही से रिसर्च नहीं की थी, तो मुझे पीछे इग्नोरी तो देखनी होती है कि हर चीज नहीं देखता। सब बुकिंग करते हैं, पर ये देखता है वो भी, उसमें भी चोरी करता है बंदा। सब तेरा पति ही करे तो तू क्या करेगी बता। आइटनरी तो तुझे देखनी चाहिए। अगर आपको नेक्स्ट व्लॉग में नहीं मिलता तो मतलब मैंने टेक ओवर कर दिया। अब जल्दी से पतली पतली गलियों से बाहर निकलते, देखते 1 किलोमीटर के आसपास है तो चल के जाएगी, फिर ऑटो करे। लेट्स सी आज कितना पैर हमारा जवाब दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी हड्डियां दर्द हो गई अभी बहुत। चलना है भाई जोधपुर में, कल बहुत चले हैं अपने। जोधपुर टूरिस्ट प्लेस है इसीलिए यहाँ पे ना 1-1.5 किलोमीटर जाने के लिए भी आपको कम से कम ऑटो में 100 रुपीज़ तो मिनिमम देने पड़ेंगे। अगर 1 किलोमीटर से कम है तो मे बी 50 में मान जाए, नॉट श्योर। पार्किंग स्किल पे डिपेंड है, मतलब मोस्टली मानते नहीं है, अदरवाइज आपको मिनिमम 100 रुपीज़ तो देने पड़ेंगे कहीं पे भी जाओ। हम लोग पहुंच गए जसवंत थाड़ा। एज यूजुअल जो मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 100-120-150 रुपीज़ लेते हैं। 120 लिए हमारी होटल से। तो पीछे एज यू कैन सी यहाँ पे किला है, और जब आप किला देखना हो फोर्ट, तभी उसके सामने ये रहा जसवंत थाड़ा, और यहाँ पे लेक पे बना हुआ है। एंड दिस इज द छोटा सा लेक जिसके किनारे जसवंत थाड़ा बना हुआ है। यहाँ पे एज यू कैन सी इसे राजस्थान मतलब मेवाड़ का ताजमहल भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाइट मार्बल से सेम ताजमहल की तरह बना हुआ है। मैंने कहीं पे रीड किया था, डोंट कोट मी ऑन दिस, कि दोनों शायद एक ही मार्बल से बना हुआ है, एक ही टाइप के। लोग बहुत गाले देते हैं तो हमें पता नहीं है, पर अगर होगा फैक्ट तो होगा, क्योंकि दोनों वाइट मार्बल से बना। अब चलते हैं अंदर और लेते हैं टिकट और अंदर जाके देखते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग है, मतलब आई डोंट नो, मैं ताजमहल तो नहीं गया था, मुझे नहीं पता कितना वो ग्रांड है, पर ये है वाइट मार्बल है, कार्विंग्स की गई है, आप वीडियो में देख रहे होंगे, बहुत ही मस्त है। और दूसरा क्या है, सामने फोर्ट है और इस तरफ ना इस तरफ पूरा ओपन है और दीवार है पूरी जोधपुर वाली, जैसे आमेर फोर्ट दूर से दिखता है। हाँ, वैसे यहाँ से दूर से वो फोर्ट बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत मस्त फोटोज के लिए बहुत अच्छी प्लेस, बहुत मस्त जगह पे सिचुएटेड है। और अब अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या चीज़ है। शूज़ निकाल के अंदर जाना है, मुझे नहीं पता अभी तक गया नहीं है, सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। तो ये आमिर सिंह और हनुमंत सिंह है, इन दोनों की फ़ोटो और जो पादुका है वो रखी है। तो ये 2.5 इंच थिक मार्बल है, इसीलिए यहाँ से ना जो सनलाइट है वो अंदर आ रही है, और बहुत ही सारी नक्काशी यहाँ पे की गई है एज यू कैन सी।
जितने भी पुराने राजा उन सारों की फ़ोटोज़ यहाँ पे है। और ये जो सामने आप देख रहे हो वो जसवंत सिंह जो सेकंड थे उनकी है, उनके बेटे की और उनके बेटे के बेटे की आई थिंक फ़ोटो है, जिन्होंने क्लॉक टावर बनवाया है, और ये सामने उनकी फ़ोटो है। तो हम लोग अंदर जाके देख के आ गए, वहाँ पे फ़ोटोज़ है बाकी सारे जो पुराने राजा थे उनकी, और जसवंत सिंह जो सेकंड है उसकी, उनके सन की और उनके भी सन की फ़ोटोज़ है। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा मॉन्यूमेंट है, फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, आसपास काफ़ी सारे वो पता नहीं कुछ बनाए हुए तो है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। ये सारे है ना जो वाइट वाले, आई थिंक यस वही होगा। हाँ, उन सारे राजाओं के मुझे लगता है वही होंगे ग्रेव। तो यहाँ पे अच्छा है, अब अंदर आपको शूज़ निकाल के जाना है तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा जहाँ पे लिखा है प्लीज़ शूज़ निकाल के जाए, गाइड रख लीजिए ताकि आपको थोड़ा अच्छा आइडिया रहे क्या है। 120 रुपीज़ अच्छा आई थिंक वर्थ है, 30 to 45 मिनट्स आपको लगेंगे यहाँ पूरा कवर करने में। तो मेक श्योर कि फोर्ट से पहले आप जाके आ जाए ताकि फिर लास्ट में फोर्ट जाए और फिर अपने घर चले जाए, ताकि फोर्ट बहुत घूमने लायक है, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। तो ऐसे अलग अलग राजाओं की ना छतरियाँ बनी हुई है सारे तरफ, जहाँ पे वहाँ पे बनी थी ना जैसलमेर में से। तो आप यहाँ आसपास फोटोग्राफी कर सकते हैं बट शूज़ निकाल के अंदर जाइए अगर देखना है तो। प्लीज़ रीड साइंस केयरफुल, वरना बहुत डांट पड़ती है। हमने गलती से कुतुब मीनार पे किसी के उसमें बैठ गए थे, मेरा ना डांट आ रहा। हरकत तो दिख रही है तुम्हारी। अरे जो है हमारे कज़न सारे बैठे, हमें हम तो बच्चे थे उस टाइम पे, बच्चों से गलतियाँ होती हैं। हाँ, उनको ही मारते, इसलिए मारा नहीं था, डांटा था, मारने की ज़रूरत थी। पचौती हेल्थ पर डांट पड़ रही थी, कल वो पंडित थे, बाप रे। अब हम यहाँ ऊपर चढ़ के फोर्ट की थंबनेल लेने का और फोटोग्राफी का ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी। हाँ, अगर किसी ने डांट के उतारा नहीं तो। ये जसवंत थाड़ा के एंट्री गेट के सामने ये रॉक है मस्त ऊपर से, यहाँ तक आप आ सकते हो। ये जो व्यू है ना बहुत मस्त व्यू है। फोटोज़ आपको देखने तो इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर द फोटोज़, रील्स, वीडियोज़ एंड एवरीथिंग बिहाइंड द सीन्स। अब लेते हैं थोड़े मस्त फोटोज़ इंस्टाग्राम के लिए। सो कैसा लगा ये जगह? मस्त जगह है, मुझे स्पेशली फोर्ट का व्यू बहुत अच्छा लगा यहाँ। हाँ, और वो ताजमहल मेवाड़ वाला अच्छा था ना? फोटोज के लिए बहुत अच्छा लगा मेरे को, हिस्ट्री तो खैर अच्छी ही है, नहीं अच्छी है हिस्ट्री, अच्छी है। ऐसे कट कट कर देना इसको, ऐसे कट कर। फाइनली 1.5-2 दिन के बाद हम लोग निकले न्यू सिटी देखने के लिए जोधपुर में, और यहाँ पर सिर्फ आप प्रेफर करो ऑटो से ही जाओ, हमें स्कूटी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऑटो इज वेल एंड गुड, मतलब सेम ही पड़ता है। आपको क्या है 300-400 रुपये 500 रुपये पर डे का देना पड़ेगा, उससे अच्छा आप 300-400 में ऑटो वाले से बात कर लो, जैसे कि हमने किया। हम वहाँ पे भी लेके गया, जब भी हमने जो फर्स्ट प्लेस देखा वो, और उमेश भवन भी लेके जा रहा है, वहाँ ड्रॉप कर देगा 250-270 रुपये का, दो प्लेस उसने दिखा दिए। वहाँ से फिर हमें दूसरा एक बाग देखने जाना है, वो मंडोर का बाग है, वो देखने जाना है गार्डन, तो वो अपने आप से चले जाएंगे। ऐसे ही हमने उसको बोला है, वो खाने पीने की भी एक दो जगह दिखाएगा जो हम कल के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। सो मतलब फेमस चीज़ें क्या क्या लेके जानी है, क्या क्या खा सकते हो, स्वीट कौन सी फेमस है, कचौड़ी कहाँ से मिलती है अच्छी, वो हम कल के ब्लॉग में बताएंगे। सो मेक श्योर कि आप कल का ब्लॉग भी देखो। और एक चीज़ और, आपको मेरे फेस पर कुछ डिफरेंट लग रहा है? हाँ भाई, इसका चश्मे की थोड़ी तारीफ, ये बताने की क्या जरूरत थी? तो किसी को नहीं लगा तो लगा तो, अगर आपको लगा तो नीचे कमेंट में बताने की जरूरत है। उम्मीद बहुत चले चश्मा तोड़ दूंगी, स्टाइल मार रहा है।